हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्बन फार्मिंग एडवेंचर। आज किसी ने कमेंट्स किया था एक्चुअली पपीता के बारे में, कि पपीता के बारे में बताइए। तो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, जो पपीता होम गार्डन में उगाना चाहते हैं या लैंड में भी लगाना चाहते हैं तो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें इनको एक्सप्लेन करूँगा जो रिक्वायरमेंट होती है पपीता की। और क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैंने पपीता ग्रो किया है और मैं लास्ट 1 साल से प्लांट्स कंटिन्यूसली रिसर्च कर रहा हूँ उन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल रिक्वायरमेंट के बारे में, बहुत ही शॉर्ट में बात करेंगे। पपीता क्योंकि फास्ट ग्रोविंग प्लांट है, ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है, तो इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो हम पपीते की सबसे पहले सॉइल तैयार करें, इसमें 40% गार्डन सॉइल ले सकते हैं और 30% ऑर्गेनिक मैचर मीन्स गोबर की खाद ले सकते हैं। सैंड हम जो कोको पीट या सैंड मिलाएंगे इसमें, वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 40% सॉइल, 30% गोबर की खाद, 30% सैंड ले सकते हैं। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, सैंड ज़्यादा ले लेते हैं। सैंड जब ज़्यादा ले लेंगे तो उसमें न्यूट्रिशन रोकने की जो कैपेसिटी है, जो पावर होती है, वो चली जाती है और न्यूट्रिशन सारे पानी के साथ चले जाते हैं। इसकी वजह से उनमें पोटेशियम की कमी हो जाती है, वेरियस डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सॉइल रिक्वायरमेंट क्या है, 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड, 30% गोबर की खाद, उसको इसी रेशियो में लेना है। और उसके लिए अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो 2x2 का गड्ढा करें, उसकी मिट्टी को निकालें, ये मिक्स बनाएं, फिर इसको फिल करें। फिल करने के बाद 1 हफ्ते तक वेट करें, फिर इसको प्लांट लगाएं। और अगला बात करते हैं पीएच, मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए। ये पपीता क्योंकि एसिडिक से नेचुरल तक चलता है, इसलिए कहते हैं कि काफ़ी ईजी प्लांट है, 5.5 से 7 नेचुरल होता है, तो वहाँ तक ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। पीएच टेस्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मिक्सर बताया वो कर सकते हैं, यानी मिक्सर इसमें 70-30% का लेना चाहिए। 30% से ज़्यादा अगर सैंड मिलाएंगे तो ज़्यादा एसिडिक सॉइल हो जाएगी और वो नुकसानदायक हो जाएगी किसी भी न्यूट्रिशन को रोकने के लिए, तो डेफिशिएंसी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसको झेलने के लिए। सेकंड रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्लांट के लिए सनलाइट और लोकेशन। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए क्योंकि 6 से 8 घंटे तक उसको सनलाइट मिल जाए, क्योंकि ग्रो कर किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, ये प्रोसेस होने के लिए पूरा सनलाइट चाहिए। तो 6 से 8 घंटे की ऐसी जगह उसको प्लेस करें जहाँ से 6 से 8 घंटे की उसको सनलाइट मिल जाए। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। और ये ज़्यादा जब विंटर्स होती हैं तो फ्रॉस्ट से इसको बचाना होता है, बाकी इसमें और इसके अलावा बहुत ज़्यादा विंड ब्रेक सॉल्यूशन या कहते हैं बहुत ही तेज़ हवाएं होती हैं, तो इसको वहाँ क्योंकि इसका इतना ट्रंक मजबूत होता नहीं है स्टार्टिंग में, तो कुछ दिनों तक काफ़ी सेफ्टी करनी होती है। और लेटर ऑन ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, बहुत ही तेज़ी से ये पकड़ लेगा ज़मीन को। और अगर इसको आप ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं तो मिनिमम 18 इंची का ग्रो बैग लें, उसमें जो सॉइल बताया है सेम उसी मिक्सर को डालें। ओके, थर्ड बात करते हैं वाटरिंग के लिए, क्योंकि पपीता फास्ट ग्रोविंग है तो इसको कंसिस्टेंट वाटर चाहिए, कंसिस्टेंट इसको वाटर चाहिए, यानी कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन दे सकते हैं इसको। बरसात में पानी नहीं देना है, समर में कोशिश करें कि मॉइस्चर बना रहे। और फर्टिलाइज़र की बात करें
तो पपीता बहुत ही हैवी फीडर होता है क्योंकि ये फास्ट ग्रो करता है, तो इसको रेगुलर फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। 1-2 महीने में इसको फर्टिलाइजर देते रहे, गोबर की खाद दे सकते हैं। अगर आप नेचुरली जाते हैं तो गोबर की खाद दें, बर्मी कंपोस्ट दें, बट 1-2 महीने के बाद काओ डंग दे सकते हैं। इसके अलावा उसमें उसकी सॉइल के ऊपर मल्चिंग करें। मल्चिंग में क्या चाहिए, बनाना लीव्स से मल्चिंग करें। ये कई सारे फायदे करता है क्योंकि ये ज़मीन के मॉइस्चर को बना के रखता है। सेकंड, ये स्लो रिलीज न्यूट्रिशन है। जैसे जैसे ये सड़ता जाएगा, जैसे जैसे से मिक्स होता जाएगा, ये आपकी प्लांट को मॉइस्चर भी बचाएगा, इसके साथ फर्टिलाइजेशन भी काम करेगा ये। और इसके अलावा अगर बैलेंस फर्टिलाइजर देते हैं तो एनपीके दें, क्योंकि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों की इम्पोर्टेंस होती है। नाइट्रोजन क्योंकि ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन कम नहीं हो जाएगी तो ग्रीनरी नहीं रहेगी। ग्रीन के लिए रेस्पॉन्सिबल नाइट्रोजन होता है ग्रोथ के लिए। इसके अलावा रूट्स के डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस चाहिए, क्योंकि फास्फोरस रूट में जाके बैठ जाता है, ये चलता नहीं है। अगर आप ऊपर से फास्फोरस देंगे तो ये कोई काम नहीं करेगा क्योंकि ये बैठ जाता है, इसको रूट में ही चाहिए। जब रूट सबसे पहले फास्फोरस चाहिए होता है क्योंकि सबसे पहले रूट डेवलपमेंट होते हैं। रूट डेवलपमेंट जब हो जाता है तब पोटेशियम भी चाहिए होता है, पोटेशियम वगैरह सब कुछ चाहिए। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिंक, मैग्नीज, बोरोन, ये भी रिक्वायरमेंट होती है, बट ये सारे अगर आप मल्चिंग करते हैं तो मोस्टली हो जाते हैं, क्योंकि मल्चिंग से स्लो रिलीज न्यूट्रिशन होते हैं। इसके अलावा प्रूनिंग, अगला है प्रूनिंग। प्रूनिंग डजेंट मीन कि आप अच्छे वाले लीव्स हैं उनको कट करें। प्रूनिंग मीन्स होता है जो डेड सेल्स होते हैं, डेड ब्रांचेस होते हैं, उनको हटाना होता है प्रूनिंग। प्रूनिंग डजेंट मीन कि आप ग्रोथ के लिए कट करते जाएं अच्छी अच्छी ब्रांच को, मेन स्टेम को भी कट कर दें, दैट डजेंट मीन। इसके अलावा पेस्ट पीते पे भी डिसीज हो सकती हैं, एफिड और वाइट फ्लाइज होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अटैक करती हैं इन पे। इसके अलावा मिली बग भी हो सकता है इसमें, तो उसके लिए नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर एकदम नेचुरल चाहिए तो नीम की लीव्स को लाके उबालेंगे, बॉयल करने के बाद जो वाटर आएगा उसको स्प्रे कर सकते हैं। हर हफ्ते स्प्रे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह से मेन जो रिक्वायरमेंट है, सम एडिशनल टिप्स। सबसे पहले आजकल पपीता कौन सा लगाना है, आजकल ताइवान रेड डीडी नाम से आता है, जो कि इसमें मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर एक ही में होते हैं, तो हमें मेल और फीमेल दो लगाने की ज़रूरत नहीं। एक प्लांट में फ्लावरिंग आएगा, एक में पॉलिनेशन का रहेगा, रिस्क नहीं रहता। पॉलिनेशन का एडिशनल, अगर आप चाहते हैं कि पॉलिनेशन चलता रहे, एडिशनल कोई रिस्क ना हो, तो आप मैरीगोल्ड लगा सकते हैं पास में। इसके अलावा हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, मोस्टली पॉलिनेशन चलता ही है। बट खास ध्यान रखना है, जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है किसी भी प्लांट में, वाटर का कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ओवर वाटरिंग कर देंगे प्लांट अगेन स्टार्ट कर देगा ग्रोथ, फ्रूटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, ओवर वाटरिंग ना करें। इसके अलावा आप इस पपाया कम से कम 6 फीट डिस्टेंस पर रहना चाहिए, ताकि क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सनलाइट भी चाहिए इसको, एयर भी चाहिए, बड़ी लीव्स होती हैं, इसको फोटोसिंथेसिस के लिए पूरा प्रोसेस होता है उसका, क्योंकि फास्ट ग्रोविंग है, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए इसको, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप स्पेस में लगाएं। और हाँ, बात करते हैं कब लगाना है, अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं इसको, प्लांट लें अक्टूबर में लगा सकते हैं। इसके अलावा इसको सल्फर की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है पपीता में, तो अगर मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, वो दे सकते हैं। अदरवाइज ना पपाया, बनाना लीव्स,
इवन पपाया के लीव्स भी लगा सकते हैं, मल्चिंग करते रहेंगे। मल्चिंग इस मल्चिंग में क्या है, माइक्रो न्यूट्रिशन आपके उसमें मिलते रहेंगे। मल्चिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आपकी मॉइस्चर को बना के रखता है, इवन कोल्ड में भी बचा के रखता है प्लांट को, हीट में भी बचा के रखता है, इसलिए मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट ड्रॉप कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फ्रूट ड्रॉप की, तो अगर फ्रूट ड्रॉप जैसी प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लो कि पोटेशियम या बोरोन उसको चाहिए, उसकी कमी हो गई है, डेफिसिट।